गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कैकेशा, फैकल्टी ऑफ टारगेट विद एस के सर. इन माई प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज ऑरवेल. वी ऑल नो दैट जॉर्ज ऑरवेल इज एन इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश राइटर. ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हु राइट्स बेसिकली ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड मेनी मोर. He has written many works, poems, short stories, novella, essays. But his two works are very important in our literature. That is Animal Farm and 1984. This novel, Animal Farm, is one of the finest example of satirical allegorical novel. This novel was actually published in England in 19 August 1945. This book tells the story of a group of farm animals who rebel against their human farm, hoping to create a society where the animals can be equal, free and happy. But ultimately, however, the rebellion was betrayed and the farmer ends up in the state of bad as it was before, under the dictatorship of a pig named Napoleon. ये जो किताब थी उसका ओरिजिनल टाइटल जो है एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी था, ये इसका पूरा नाम था. बट इसको जब फर्स्ट टाइम में 1946 में यूएस में पब्लिश किया गया तो इसका ये पार्ट जो है ड्रॉप कर दिया गया और इसका नाम हो गया सिर्फ एनिमल फार्म. तो आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कि इसका फुल नेम क्या था तो आप लिखिएगा एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी. ये बुक जो है एनिमल फार्म, इसको टाइम मैगजीन ने जो है इंग्लिश लैंग्वेज के 100 बेस्ट नॉवेल्स जो कि 1923 से लेकर के 2005 तक जितने भी नॉवेल्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए उसमें 10 बेस्ट नॉवेल्स में से इनको खड़ा किया है. आइए हम अब डिटेल से इसकी स्टोरी को समझते हैं. Napoleon, Snowball, Midge, Old Major, Boxer, Benjamin, Mr. Jones, Mr. Pilkington, Mr. Wimper, ये सारे जो हैं कैरेक्टर्स हैं. एक दिन का वाक्य है कि मिस्टर जोन्स जो कि एक नंबर का शराबी आदमी रहता है, वो हर वक्त शराब में धुत रहता है. एक दिन रात का टाइम रहता है, वो शराब पी करके अपने फार्म में आता है और अपनी मुर्गियों को बंद करता है. वो अपने फार्म को ठीक से लॉक नहीं कर पाता और चला जाता है. जैसे ही लाइट बंद होती है वैसे ही एनिमल फार्म के सारे जानवर जो है एक फील्ड की तरफ जाने लगते हैं और वहां पे जाकर के ओल्ड मेजर की मीटिंग को अटेंड करते हैं, उसके भाषण को सुनते हैं. ओल्ड मेजर जो है इन सारे जानवरों का सरदार है. ये एक सबसे सीनियर पिग है जो कि बहुत ही होशियार और अकलमंद है. ये कहता है, ये अपने सारे जानवरों को संबोधित करता है और कहता है, ये बात जान लो कि हम लोग एक खराब जिंदगी जी रहे हैं. हमारी जिंदगी बिल्कुल ही बेहतर नहीं गुजर रही है और हमारी इस जिंदगी का, हमारी जो ये तकलीफ दे जिंदगी का है, इसका कारण कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जोन्स है. मिस्टर जोन्स हमसे काम करवाते हैं, हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमें इतना ही खाना देते हैं जितना में हम काम कर सकें. यही नहीं बल्कि वो हमारी मेहनत की सारी कमाई जो है वो लेकर चले जाते हैं और हमें उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं देते हैं. अंडे, दूध, ऊन, ये सारी चीज़ें हम पैदा करें और इसको ये सारी लेकर के जाएं और इसको जाकर के उसका व्यापार कर दें, बेच दें, ये कहाँ का इंसाफ है. जब हम इनकी चीज़ों नहीं लेते हैं तो इन्हें कोई हक नहीं बनता कि ये हमारी चीज़ों को ले लें. फिर वो आगे कहता है कि ह्यूमंस आर आवर बिगेस्ट एनिमीज. ये ह्यूमंस जो हैं ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और अगर आज हमने इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो ये जो है हमारा गला घोट देंगे और हम जो है इस दर्द की चक्की में जो है पिसते पिसते एक दिन मर जाएंगे. और फिर उसके बाद ओल्ड मेजर जो है कहता है कि मेरी माँ जो है उसने जो है मुझे एक गाना सुनाया था, मुझे जो है एक पोएम सुनाया करती थी जिसका नाम था
मेरी मदर जो है मुझे एक जो है एक पोयम सुनाया करती थी, और उस पोयम में जो है उसने मुझे बताया कि जो हम एनिमल्स हैं उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है अगर जो है हम अपने आप को ये इंसानों से जो है वो अलग कर ले। इसकी बात ये जितने भी जानवर होते हैं इसकी बात सुनकर के जो है वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनको बहुत अच्छा महसूस होता रहता है। उतने में ही क्या होता है कि एक चूहा आ जाता है उसकी बात सुनने के लिए, और चूहे को देख करके जो है जो कुत्ते होते हैं उसके ऊपर झपट्टा मारने लगते हैं। तो ओल्ड मेजर कहता है, रुको, यही तुम गलत कर रहे हो, यहीं पर तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उसे खाओ, उसे तुम मारो। जितने भी जानवर हैं चाहे वो छोटा हो या वो बड़ा हो, हर जानवर हमारा भाई है और हम सब दोस्त हैं। बताओ है कि नहीं, हम सब दोस्त हैं, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। और अगर कोई हमारा दुश्मन है तो वो सिर्फ इंसान जिसने हमारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना के रखी है, और हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। और ये आवाज हम कब उठा सकते हैं, जब हम एक साथ मिल जाएंगे, एक साथ जुट जाएंगे और उसके खिलाफ एक साथ आवाज उठाएंगे, तभी जो है हम उसको जो है अपने फार्म से निकाल फेंकेंगे। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियों में ताकत नहीं बची है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इतनी बुरी जिंदगी जियो, इतनी खराब जिंदगी जियो, इसलिए तुम लोग एकजुट हो जाओ और इसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये बात सुन करके इसकी जोर जोर से भाषण की आवाज जो है मिस्टर जोन्स के कानों तक पहुंच जाती है। मिस्टर जोन्स उठता है बंदूक लेकर के और उस खेत और खलियान में चला आता है जहां पर ये भाषण हो रहा होता है, और जोर जोर से क्या करते हैं अपने बंदूकों से जो है फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से सारी भीड़ इधर उधर तितर बितर हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हिंदुस्तान के लोग जो है कैद थे किसमें, ब्रिटिश शासन में, और जब हम भी कोई सभा बुलाया करते थे तो इसी ठीक इसी तरीके से जब अंग्रेज लोग जो है हमारी सभा को जो है भंग करने के लिए बंदूक से गोलियां चलाया करते थे, तो ठीक इसी तरीके से ये सारी जो भीड़ होती है वो तितर बितर हो जाती है। सब सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। इस हादसे के 3 दिन के बाद ओल्ड मेजर की डेथ हो जाती है। सारे जानवर बहुत रोते हैं, बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, वो सब इसकी भाषण से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। वो ओल्ड मेजर, वो बूढ़ा सुअर भले ही चला जाता है, बट वो एक क्रांति की आग सारे जानवरों के दिल में, दिमाग में छोड़ के चला जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट एनिमलिज्म का जो कॉन्सेप्ट ओल्ड मेजर ने दिया है, वो दिमाग वो कॉन्सेप्ट जो एनिमल एनिमलिज्म का जो कॉन्सेप्ट जो ओल्ड मेजर ने दिया है, वो इन सारे जानवरों के दिमाग में गूंजता रहता है। और इसमें से जो कुछ होशियार जानवर होते हैं जैसे नेपोलियन, स्नोबॉल और स्क्वायरल, ये तीनों चूंकि इस फार्म में जो सबसे ज्यादा अकलमंद होते हैं वो सुअर होते हैं, ये सारे सुअर्स के दिमाग में जो है ये चीजें जो है कंटिन्यूअस चलती रहती हैं, और वो चाहते हैं कि सारे जानवरों को जो है इस क्रांति में जो है मिला लिया जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमें मिस्टर जून से छुटकारा चाहिए तो हमें एकजुट होना होगा। हम सुअर चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पर हम जो है मिस्टर जून से, हम इंसानों से बदला नहीं ले सकते, हम उनके ऊपर हावी नहीं हो सकते, इसीलिए हमें क्या होगा और क्या होना होगा, एकजुट होना होगा। अब ये नेपोलियन, स्नोबॉल और स्क्वायरल, ये तीनों सुअर जो है क्या करते हैं, जो दूसरे जानवर होते हैं जैसे बॉक्सर, बेंजामिन, मिस्टर जून, मिस्टर पिंकी पिंकटन और विमटन, ये सारों को क्या करते हैं, समझाने लगते हैं और उसे बताने लगते हैं कि हमें किस तरीके से जो है क्या करना है, अपने आप को इस मुसीबत भरी जिंदगी से, इस मौत भरी जिंदगी से छुटकारा पाना है, और हमें पाना ही होगा। अब ये तीनों सुअर मिलकर के जो है जितने भी लोग होते हैं उस ये अब ये तीनों सुअर मिलकर के ये सारे जानवरों में क्या करते हैं, क्रांति की आग को बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले, और ये सब एक दिन एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर के क्या करते हैं, मिस्टर जोन्स को बाहर निकाल देते हैं। ये सब अपनी जिंदगी से मिस्टर जोन्स को बाहर निकाल देते हैं और आजाद हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं और आजाद हो जाते हैं। अब स्नोबॉल
जो कि स्नोबॉल और नेपोलियन, ये दोनों जो है क्या करते हैं, इस पूरे जंग को, इस पूरे रिबेल को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, नेतृत्व करते हैं। इसका नेतृत्व, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो नेपोलियन स्नोबॉल होता है। अब स्नोबॉल जो है वो क्या करते हैं, स्नोबॉल और नेपोलियन जो क्या करते हैं, पहाड़ की चोटी पे चढ़ते चले जाते हैं और वहां से अपने फार्म को जो है देखते हैं। और वहां पे से देखने के बाद क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमने क्या कर दिया, भगा दिया, हमने आजादी पा ली, अब हम जो है कभी भी इंसानों के कब्जों में नहीं रहेंगे। और फिर वो कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा। अब जो स्नोबॉल है वो क्या करता है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाता है और 7 रूल्स जो को वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है। वो 7 रूल्स क्या है, पहले जो है एनिमल फार्म का नाम जो है मैनर फार्म रहता है, मैनर फार्म से जो है उसका नाम बदल करके जो क्या कर रख दिया जाता है, एनिमल फार्म रख दिया जाता है। उस बोर्ड को उतार करके फेंक दिया जाता है और वहां पर जो है एनिमल फार्म का जो है बोर्ड लगा दिया जाता है। सबसे पहला रूल, नो एनिमल विल स्लीप ऑन द बेड, कोई भी एनिमल जो क्या करेगा, बिस्तर पे नहीं सोएगा। नो एनिमल विल ड्रिंक द लीकर, जैसा कि जो है ओल्ड मेजर ने कहा था कि याद रखो अगर तुम्हें आजादी मिल गई तो तुम कभी भी इंसानों की बुराइयों को नहीं अपनाओगे, तुम कभी भी शराब नहीं पियोगे, तुम कभी भी जो है इंसानों की तरह कपड़े नहीं पहनोगे, तुम कभी भी बिस्तर पे नहीं सोओगे, और सबसे बड़ी बात कि तुम सब के सब बराबर हो। इन्हीं सारे रूल को, ये जो एनिमलिज्म के रूल्स हैं, इन सारे रूल्स को क्या करता है, स्नोबॉल एक बोर्ड पे लिखता है, जिसमें से पहला रूल होता है कि नो एनिमल विल स्लीप ऑन द बेड, कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। नो एनिमल विल ड्रिंक द लीकर, कोई भी जानवर जो है शराब नहीं पिएगा। नो एनिमल किल विद किल अदर एनिमल्स, कोई भी जानवर जो है दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। टू लेग्स आर गुड एंड टू लेग्स आर बैड एंड फोर लेग्स आर गुड, जो दो पैर वाले जानवर है यानी कि इंसान, वो बुरे हैं, और जो चार पैर वाले जानवर हैं वो क्या है, अच्छे हैं। एनिमल विद टू लेग्स और विद फर्स आर आवर फ्रेंड, दो पैर वाले जानवर जिनके पास फर है वो क्या है, हमारे दोस्त हैं। नो एनिमल वेयर द ह्यूमन क्लोथ्स, कोई भी जानवर जो है इंसान के कपड़ों को नहीं पहनेगा। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स के सारे एनिमल्स जो है वो इक्वल हैं। बताओ ये सारे रूल्स समझ में आ गया सबको, अब हमारा जो एनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट है इन्ही 7 रूलों पर चलेगा। सब लोग इससे एग्री है, इस बात को स्नोबॉल सबसे पूछता है, क्या सब लोग इससे एग्री है? सारे जानवर हाथ हिलाते हैं, सारे जानवर जो है अपना सर हिलाते हैं कि हाँ हम लोग जो है एग्री हैं और अब हम लोग जो है इसी रूल्स पे जो है चलेंगे। अब क्या होता है कि जो ये स्नोबॉल है और नेपोलियन, ये दोनों जो है पूरे इसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। सारे जानवर बहुत खुश होते हैं, सबों को जो है अच्छा खाना मिलने लगता है, सबों को कम काम करना पड़ता है, सबों को उनकी मेहनत का जो है मजदूरी मिलने लगता है, सबों को बराबरी का अधिकार मिलने लगता है, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से चल रही होती। बट मिस्टर जोन्स के यहाँ सब कुछ भी ठीक नहीं होता है। मिस्टर जोन्स बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और वो शराब पी करके किसी शराब खाने पे पड़े होते हैं। जो दूसरे एनिमल फार्म वाले होते हैं, जो दूसरे फार्म वाले होते हैं, उनको इनके साथ सिंपैथी तो ज़रूर होती है और वो डरे हुए भी होते हैं कि हमें जो है मिस्टर जोन्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो वो क्या करेंगे, हम पर, मतलब हमारे भी जो जानवर हैं वो भी हमारे साथ रिबल करेंगे, जैसा कि जो है मिस्टर जोन्स के साथ हुआ। एक तरफ ये कहानी उनको समझाने बुझाने की, मिस्टर जोन्स को कंसोल करने की चलती रहती है, दूसरी तरफ एनिमल्स के फार्म में जो स्टोरी चलती है, जो हलचल होती है, आइए उसे देखते हैं। अब क्या होता है कि स्नोबॉल कहता है कि अभी हम लोग सिर्फ 6 दिन काम करेंगे और संडे को हम क्या करेंगे, आराम करेंगे। संडे के दिन जो है हमारी मीटिंग्स होगी और उसमें हम जो है सारे हफ्ते भर का डील करेंगे कि क्या जो है हमें करना है, क्या नहीं करना है, हम सारी स्ट्रैटेजीज को तय करेंगे। सारे जानवर बहुत मेहनत करते हैं, संडेज को जो है मीटिंग्स होती है, वहाँ पे जो है मीटिंग्स में जो है जो बुक्स रखे हुए होते हैं, सारे जानवर जो है पढ़ना लिखना सीख लेते हैं। बहुत सारे जानवर जैसे मुर्गियाँ, ये तो न्यूज़पेपर्स तक पूरा पढ़ने लगती हैं। घोड़े, ये जो है कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाते जो है, मतलब जैसे डंकी है, ये कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाते जो है, मुश्किल से जो है सो ये 7 रूल्स पढ़ पाते, लेकिन ये सारे जानवर लगभग कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं।
अब इसने जो है हर चीजों के लिए अलग अलग सेक्शन बना रखे थे, मतलब काफी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है, अब फॉर्म बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। दूसरी तरफ जो है मिस्टर जॉन्स जो है अपनी स्ट्रैटेजी को जो है तैयार करता है और जो है इन जानवरों से बदला लेने के लिए जो है अपने सारे फार्म के मतलब जो दूसरे फार्म्स के जो लोग होते हैं उनके साथ जो है इनके ऊपर हमला कर देता है। पर स्नोबॉल को जो है इसकी खबर मिल जाती है और स्नोबॉल ने जो है क्या करता है, बड़ी ही चालाकी से जितने भी जानवर हैं उनको हथियार के साथ जो है एक सही जगह पर जो है सही पोजीशन पे तैनात कर देता है। दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है, जो है गोलियां चलती है, बम चलती है, लेकिन फाइनली क्या होती है, मिस्टर जोन्स को मुंह की खानी होती है और ये सारे जानवर मिलकर जो है उसको हरा देते हैं। ये दूसरी बार जो है मिस्टर जोन्स को जो है अपने मुंह की खानी पड़ी। अब ये सारे जानवर बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं, बट क्या होता है कि स्नोबॉल और नेपोलियन इन दोनों की आपस में नहीं पड़ती है। नेपोलियन बहुत ही समझदार, होनहार, बहुत इंटेलिजेंट, इसको लोगों को पढ़ाना लिखाना बहुत अच्छे से आता है, चीज़ों को समझाना बहुत अच्छे से आता है, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने बहुत अच्छे से आता है, ये बहुत ही इनोवेटिव होता है और इसके जो है विचार बहुत अच्छे होते हैं, इसकी ये बहुत ही बुद्धिमान होता है। उसका उल्टा जो है नेपोलियन बहुत ही शातिर और बहुत ही कूटनीति वाला आदमी होता है, उस तरीके का ये जी मतलब पिक होता है और ये आगे चल करके जो है इस नॉवल में एक बड़ा सा विलन बनेगा। अब इन दोनों के बीच में जो है कहा सुनी जो है हमेशा होती रहती है। एक दिन स्नोबॉल जो है कहता है कि मैंने ये सोचा है कि हमें क्या करनी चाहिए, एक विंड मील बनानी चाहिए। विंड मील बनाने से क्या होगा कि हम जो है अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे और जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हमारा काम जो है वो कम हो जाएगा, हमारा काम आधा हो जाएगा। सारे जानवर बड़े खुश होते हैं, कहते हैं कि ये काम तो मुश्किल जरूर है बट मैं इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा और आप लोगों को क्या करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा और आप लोग जो है विंड मील बनाने का काम कीजिएगा। अब जो है वो क्या करते हैं, ये सारे जानवर खेत में काम करते हैं और ये जो स्नोबॉल जो है वो क्या करता है, पूरी स्ट्रैटेजी बनाते रहता है कि किस तरीके से विंड मील बनेगा, क्या बनेगा। अब ये बात नेपोलियन को अच्छी नहीं लगती, नेपोलियन जो है मतलब इसको पसंद नहीं करता है और कि जो है उसको बोलते रहता है कि ये सब क्या है, ये सब गलत है, ये जो बाकी जानवर होते हैं ये सब इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, ये जाते हैं स्नोबॉल को देखते हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है बट इन्हें अच्छा लगता है, इन्हें लगता है कि हाँ ये कुछ अच्छा काम कर रहा है। उतने में क्या होता है कि इनमें से एक कुतिया होती है जिसने 9 बच्चे दिए होते हैं और इन 9 कुतियों के 9 बच्चियों को जो है नेपोलियन अपने साथ ले जाते हैं और कहता है कि ये जो बच्चे हैं यही हमारे आने वाला भविष्य है, तो मैं इन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, इन्हें पढ़ाना चाहता हूँ और इन्हें गाइड करना चाहता हूँ। थोड़ा तो है लोगों को, जो दूसरे जो जानवर होते हैं उनको थोड़ा सा लगता है कि क्यों सिर्फ कुतिया के बच्चों को ही क्यों ले जा रहा है, मुर्गियां हैं और भी दूसरे जानवर उनके बच्चों को क्यों नहीं ले जाए, पर कुछ सवाल नहीं करते क्योंकि ये अपने ही मगन में होते हैं, ये बहुत खुश होते हैं अपनी आजादी से। एक दिन क्या होता है कि नेपोलियन जो है वो अपना आइडिया बना रहा होता है और जो है स्नोबॉल जो है वो अपना आइडिया बना रहा होता है विंड मील का और नेपोलियन जो है आता है उसको देखने के लिए, दोनों में बहस हो जाती है और नेपोलियन क्या करता है गुस्से में जो है उसके पेपर पे पेशाब कर देता है। फिर दूसरे दिन मीटिंग होती है, जब मीटिंग होती है तो उसमें जो है स्नोबॉल पूरी अपनी स्ट्रैटेजी को बताता है और कि किस तरीके से जो है हमें विंड मील बनाना है, विंड मील से क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, बताता है कि अब जो है हमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना पड़ेगा, हम जो और 3 दिन हम आराम करेंगे, हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, तो लोग जो है उससे एग्री हो जाते हैं। बट नेपोलियन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। नेपोलियन जो क्या करता है इसके ऊपर जो है खुन्नूस निकालने के लिए वो जो उसने अपने 9 जो है जो 9 जो कुतियों के बच्चों को जो पाला था वो जो है स्नोबॉल के पीछे छोड़ देता है, और वो जो 9 कुतियों के बच्चे होते हैं ये बिल्कुल ही खूंखार जानवर हो जाते हैं और इसको जो है यह करते हैं भगा देते हैं। यहीं पर क्या होता है कि पहला रूल टूट जाता है एनिमल फार्म का, जिसमें कहा गया था कि सारे जानवर जो है कोई भी जानवर किसी को जो है डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, ये जो है रूल टूट जाता है। स्नोबॉल वहां से चला जाता है। अब नेपोलियन कहता है कि स्नोबॉल एक अच्छा आदमी नहीं था, उसने मेरे आइडिया को चुरा लिया था और इसलिए जो है मैंने उसे भगा दिया। अब यहाँ पे संडे वनडे को कोई मीटिंग नहीं होगी,
मैं आप लोगों का जो है नेतृत्व करूंगा, और ये नेतृत्व करने का जो ये मुश्किल काम है इसको मैं अपने जिम्मे लेता हूँ, क्योंकि मैं अब जितने भी जानवर हैं उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान सिर्फ मैं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा और कोई जो है जो इस मुश्किल काम को कर सकता है, इसलिए जो है मैं आप लोगों का अब रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सारे जानवर कुछ नहीं बोलते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो जानवर होते हैं ये अपना खाना जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ये सारे जो है खेतों में काम करने लगते हैं। बाकी जो है कुछ जानवर जो है वो विंड मील का काम करने लगते हैं, विंड मील बनाने का काम करने। नेपोलियन जो है सब लोगों को बुलाता है और कहता है कि विंड मील बनाने का काम जो है वो रुकेगा नहीं, विंड मील बनाया जाएगा और 2 साल के अंदर जो है वो विंड मील को बना करके तैयार कर दिया जाएगा। जितने भी जानवर होते हैं सब के सब जो है वो विंड मील बनाने का जो है वो मुश्किल काम करने में लग जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि बड़ा सा तूफान आ जाता है और जितने भी जो है जो पत्थर उन लोगों ने इकट्ठा किया था विंड मिल बनाने के लिए वो सब के सब जो है क्या करते हैं, गिर जाते हैं। सारे जानवरों को बहुत दुख होता है, ठीक है। उतने ही में जो है ये नेपोलियन कहता है कि देखो स्नोबॉल आया था और स्नोबॉल ने ही आकर के क्या किया है, ये काम किया है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो क्या किया है, वो मिला हुआ है मिस्टर जोन्स से। सारे जानवर कुछ नहीं बोलते हैं, उसकी सुन लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि नेपोलियन उनका रिप्रेजेंटेटिव है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो है इस नेपोलियन ये बाहर व्यापार करना भी शुरू कर देता है इनकी चीजों को, यानी कि जो जानवरों की जो उपजाई हुई चीजें जैसे ऊन हुआ, जैसे दूध हुआ, जैसे अंडे हुआ, इन सबको क्या करता है, बेचना शुरू कर देता है। अब इस पे मुर्गियों को बड़ा बुरा लग जाता है और मुर्गियां कहती है कि जो है सो हमारी तो ये बात हुई थी कि जो है जो जितनी भी चीजें होगा प्रोडक्शन होगा उसका खुद ही हम इस्तेमाल करेंगे, इसे बेचा नहीं जाएगा। तो ये नेपोलियन कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं नहीं बेच रहा हूं, मैंने एक आदमी रखा है जो सारी चीजों को बेचेगा, अगर हम बेचेंगे नहीं तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम सारी चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, हम सारी चीजों को जो है सो नहीं बना पा रहे हैं, और हमारे शौक कितने सारे हैं, क्योंकि जानवरों के शौक भी बढ़ गए थे। तो उसने कहा कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें बाहर से कुछ चीजें हैं जिसको क्या करना होगा, लेना होगा, और जो चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हमें बेचना होगा। सब लोग एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरा रूल होता है एनिमल फार्म का कि कोई भी जानवर मतलब बाहर व्यापार नहीं करेगा, एनिमल्स से जो भी प्रोडक्शन होता है उसको बाहर नहीं बेचा जाएगा, उसको जानवरों के इस्तेमाल के लिए ही लिया जाएगा, वो रूल भी टूट जाता है। अब ये नेपोलियन क्या करता है, सारे जानवरों को जो है डराने लगता है, धमकाने लगता है, जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको जो है उसके पीछे ये मोटे मोटे कुत्ते जो होता है उसको छोड़ देता है। अब सर्दियां आ चुकी होती हैं, अब इनके पास जो है सर्दियां बहुत ही मुश्किल हो चुकी हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है गर्मी के मौसम में कुछ जो है प्रोडक्शन किया नहीं, सारे के सारे जानवर जो है क्या होते हैं, विंडमिल बनाने में लग जाते हैं। तो इनके जो जाड़े के दिन होते हैं वो बड़े ही मुश्किल गुजरने वाले होते हैं, बट फिर भी ये सारे जानवर जो है क्या करते हैं, वो विंडमिल बनाने का काम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। और जो सबसे ज्यादा मेहनती होता है वो है बॉक्सटर, बॉक्सटर बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है और वो कंटिन्यू क्या करते रहता है, मेहनत करते रहता है, मेहनत करते रहता है, और उसको देख करके जो दूसरे जानवर होते हैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होते हैं और वो सब भी जो है उसको देखा देखी जो है विंड मिल बनाने का काम तेजी से करने लगते हैं। बट ये जो स्नो नेपोलियन होता है ये उतना दिमाग वाला नहीं होता है, क्योंकि विंड मिल बन तो रही है बट उसकी दीवारें बड़ी कमजोर है और इसे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके पास तो कुछ दिमाग नहीं होता है, इसके पास तो सिर्फ पॉलिटिक्स करने का दिमाग होता है। अब जो है वो क्या होता है कि ये जो है सुअर ये सारे जो है अंडे दूध अपने लिए प्रिजर्व करते हैं और बाकी चीजों को बाहर भेजते हैं। अब ये जो है सुअर जितने भी सुअर होते हैं और जो कुत्ते होते हैं वो जो नौ फालतू नौ जो उसके कुत्ते होते हैं और ये जितने भी सुअर होते हैं वो सब खा खा करके मोटे होते चले जाते हैं और बाकी सारे जानवर जो है बहुत ही दुबले पतले होते चले जाते हैं। और ये देखते हैं कि ये जो नेपोलियन है और दूसरे सुअर है वो क्या है, बिस्तर पे जाकर के सोए हैं। तो ये चीज जो है वो दूसरे जानवरों को बहुत बुरी लगती है,
तो कहते हैं कि हमारा तो रूल था कि जो है सो जा मतलब बिस्तर पे नहीं सोने का, तो फिर ये क्यों बिस्तर पे सोया जा रहा है। तो नेपोलियन बड़े ही अच्छे से कहता है कि हम बिस्तर पर नहीं सो रहे हैं, रूल ये था कि कोई भी बेडशीट बिछा करके बिस्तर पे नहीं सोएगा। बिस्तर पे क्यों नहीं सोया जाएगा, बिस्तर तो सोने के लिए ही बनाया जाता है, तो बिस्तर पे क्यों नहीं सोएगा। अब ये क्या होता है, चौथा रूल भी टूट जाता है। अब ये सारे जानवर जो है क्या करते हैं, जमीन में सोते हैं, और ये जो दूसरे जानवर होते हैं यानी कि सुअर और ये जो नौ कुत्ते होते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, जा करके सोते हैं बिस्तर पर और खा खा करके मोटे होते चले जाते हैं। और ये दूसरे जो जानवर होते हैं वो दुबले और कमजोर हो जाते हैं काम कर करके। इनकी हालत मिस्टर जोन्स के टाइम में जैसी थी उससे भी ज्यादा खराब हो जाती है, फिर भी ये सब के सब जो है वो काम करते रहते हैं करते रहते हैं करते। और जो भी जानवर नेपोलियन के खिलाफ आवाज उठाता है उसको इसके नौ कुत्ते जो है क्या करते हैं, खा जाते हैं। अब यहां पर एक जो छठा रूल था वो भी टूट जाता है, सॉरी जो पांचवा रूल होता है वो भी टूट जाता है कि कोई भी जानवर किसी भी जानवर को मारेगा नहीं। नेपोलियन कहता है कि ये जितना भी इस फार्म में बुरा हो रहा है ना, ये सब बुरा करने वाला कौन है, स्नोबॉल है, वही हमारी जासूसी कर रहा है, उसने ही क्या किया है, हमारे विंड मिल को तोड़ दिया है और उसकी वजह से ही हम इतने परेशान हैं। जाओ उसको बुला, जिसको भी वो मिले उसको पकड़ के लाओ, मैं उसको क्या करूंगा, मार दूंगा। इस तरीके से जो है ये जो पांचवा रूल होता है कि कोई भी जानवर किसी भी जानवर को नहीं मारेगा, वो रूल भी टूट जाता है। और जो उसके बाद से क्या होता है कि उस फार्म में जो भी जानवर नेपोलियन के खिलाफ जो है आवाज उठाता है उसकी आवाज को जो है उछल दिया जाता है। ये सारी ये जो जितने भी सुअर होते हैं ना, ये खा खा करके जो है बहुत ही ज्यादा मोटे हो जाते हैं। इस नेपोलियन के जो है 31 बच्चे होते हैं, और ये जो है वहाँ पे रिपब्लिक भी होने लगता है और वहाँ पर जो है वोटिंग भी होने लगती है, पर उस वोटिंग का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उस वोटिंग में जो है सिर्फ एक ही आदमी खड़ा होता है, वो है नेपोलियन, वो ही जीतता है हमेशा क्योंकि कोई दूसरा तो खड़ा होता नहीं है। तो ये बिल्कुल ही क्या बन जाता है, एक तरीके से तानाशाह बन जाता है। ऐसा रूल बना दिया जाता है कि मुर्गियों को जो है हर हफ्ते 400 अंडे प्रोड्यूस करने हैं ताकि उसको बाहर बेचा जा सके। मुर्गियां इतने अंडे प्रोड्यूस कर कर करके जो है दुबली होती चली जाती हैं, कमजोर होती चली जाती हैं और मर जाती हैं। एक दिन क्या होता है कि ये जो बॉक्सर होता है, बॉक्सर भी जो है विंड मिल बनाते बनाते जो है एकदम ही घायल हो जाता है, क्योंकि विंड मिल बन के तो तैयार हो जाती है 2 साल के बाद, लेकिन जैसे ही सारे जानवर जब विंड मिल बंद करके 2 साल के बाद तैयार हो जाती है तो सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं, पर वो लोग विंड मिल को यूज नहीं कर पाते। क्यों यूज नहीं कर पाते, क्योंकि विंड मिल में जो है क्या करता है, किसी ने जो है बम लगा दिया था और वो विंड मिल टूट जाता है। बट ये बॉक्सर घोड़ा का जो सपना होता है विंड मिल बनाने का, वो खत्म नहीं होता है। सारे जानवर उसको कहते हैं कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, छोड़ दो, जाने दो, मत बनाओ, बट इसका सपना होता है, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहता है करते रहता है, बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। एक दिन एक पत्थर जो है इसके सर पे आकर के गिर पाता है और वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है, इसको चोट लग जाती है। नेपोलियन कहता है कि ये जो है बॉक्सर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, घायल हो गया, इसीलिए जो है इसको बाहर भेज देते हैं हम लोग इलाज के लिए। बट असलियत तो ये होती है कि नेपोलियन उसे इलाज के लिए नहीं बल्कि बाहर जाकर के उसे क्या करता है, बेच देता है। और 2 दिन के बाद जो है ये खबर आती है कि जो है बॉक्सर मर गया। सारे जानवर जानते हैं कि नेपोलियन गलत कर रहा है, पर फिर भी कोई भी कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि नेपोलियन से सबके सब डरते हैं। एक दिन क्या होता है कि अब ये जानवर जो है, ये जो नेपोलियन है और इनके जो 9 जो है कुत्ते हैं, ये खा खा करके जो है बिल्कुल ही मोटे होते चले हैं, और ये जो है बिल्कुल ही मतलब उन लोगों को जो है एक दिन शराब का जो है एक बॉटल मिलता है और वो जो है सब शराब पी करके जो है एकदम सब के सब जो क्या करते हैं, टुन्न हो जाते हैं। अब इन लोगों ने शराब पीना भी शुरू कर दिया है, अब ये जो है एक और रूल जो है वो टूट गया। एक दिन सारे जानवर देखते हैं कि ये एक बड़ा सा पैलेस जैसा होता है फार्म में ही, उस फार्म के पैलेस में क्या होता है कि ये सारे जानवर जो हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और सब ने बिल्कुल ही सूट पहन रखी है, टाई पहन रखी है, सब डांस कर रहे हैं और सब ने जो है क्या करे, शराब पी रहे हैं। और उस
वहाँ पर जो है क्या करते हैं, उसमें इंसान भी है उनके साथ और वो सब जो है इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंसान में और जानवर में कोई भी फर्क नहीं है, और ये सारी चीजें देख करके जो है वो दूसरे जानवर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। और अब जो एक आखिरी रूल था वो रूल भी टूट जाता है, दैट ऑल एनिमल्स आर इक्वल। और वो जो है कहा जाता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स, वो रूल टूट जाता है और रूल टूट करके कुछ और बन जाता है कि सम एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। और यहीं पर जो है ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो है इस स्टोरी के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी, ये बताने की कोशिश की है कि जब सत्ता का नशा चढ़ता है तो सब कुछ इंसान भूल जाता है, सिर्फ उसके सर पे जो है सत्ता का ही जो है नशा चढ़ता है और उसको कुछ भी याद नहीं रखता है। इसी बात को जो है बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की गई। एक्चुअली इस नॉवेल के जरिए जो है उन्होंने जो सोवियत संघ में जो स्टर्लिंग थे उनके ऊपर जो है एक कटाक्ष करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो है स्टर्लिंग ने जो है एक तानाशाह बन गया था, और जो है किस तरीके से जो है वो पूरी दुनिया मतलब जो है लोगों को जो किस तरीके से सताने लगा था, और किस तरीके से उसके डिक्टेटरशिप में जो है लोग परेशान होते, ये उसी का जो है एक रिफ्लेक्शन। उन्होंने भले ही किसी का नाम नहीं लिया है लेकिन यही बताने की कोशिश की गई है कि चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे मोनार्क हो, हमेशा जो है सताया जनता को ही, जनता को ही जाता है। अगर आप अपने खिलाफ, अपने अत्याचारों के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ये नॉवेल जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मार्क्सिज्म का, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से डिक्टेटरशिप जो है एक कंट्री को और लोगों के सुकून को छीन लेता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।